जो जावण से पहली मारे कम कम पोता रो ब्याह तो देख लो, क्योंकि मारे लाडे सर मार जिगरी पोता तो मारो नरसी है, जना मारा नरसी जीरो रिश्तो करियो। नरसी लगन भयो ती है बारा, ताको द्रिवे लग्यो लक चारा। नरसी जीरो ब्याह करियो जो कम खर्चो लग्यो 4 लाख रुपया भी टाइम रे मायने। 1616 में तो मायरू भरियो है, जना नरसी जीरो ब्याह तो लगभग 1580-90 में होयो महाराज। आप विचार करो कि उन टाइम में 4 लाख रुपया ब्याह में लाग गया, तो ब्याह तो केड़ो गयो वाला है। आज हेलीकॉप्टर में फूल छिड़का हो सके भाई, आपड़ा की खर्चो करियो नहीं महाराज। जदि तो एडो पाणो विवाह होयो 4 लाख रुपया खर्चो करियो, आप विचार कर सको हो कि किता पैसा वाला हा है, किता वैभवशाली हा, किता रुपया वाला हा। नरसी जीरो ब्याह होयो और नरसी जी घराली आई ना महाराज, आ घराली लक्ष्मी स्वरूप आई। सुबह सुबह नाम लेवे जड़ी आई, 10 बार बतलावे, एक बार बोले घर माने सगला नो कान कायदो राखे, बूढ़ा बडेरा री इज्जत करे, मान सम्मान करे, जीठाणी जी ने है हलणी नींदे पूरू काम बाईज करे महाराज। आ जीठाणी तो ऊंडा भेरा में धक्को देवे जड़ी, लेकिन आ नरसी जी जगी घराली आई महाराज, आ तो लक्ष्मी स्वरूप है। हमेशा भेगी उठे, माला फेरे भगवान री, दादी सासू जी रा पग दबावे है, सेवा करे महाराज। ओ चारों ओर सगला है, क्यों ने लागा भाई नरसी जी की बीनणी आई ना भाई, आ तो छोकी है, आ तो छोकी है, पण आ उबी तो बीनणी केवे नहीं, आई छोकी है सा, इने कोई कमी थोड़ी है, आई माके गणी छोकी तो आ है, पहली बीरी वही मा करे। हां महाराज, और मैं तो बता दूं आप जीती भी सासू जी अट बिराजोड़ा हो नहीं तो बढ़िया, आपने फलका खावना वे बढ़िया, गरमा गरम सिरो जीमणो वे नहीं तो बीनणी पास माई कर निकले, नेड़ा कर निकले ना, तना वळे वळे केवणो मारा बेई जी ने, मारे ब्याण जी ने तो भगवान सोनारी पाल की भगवान रे घर आवे एड़ा है, जन देखो एड़ी शाणी बीननी है जो को मने दीवी लपट्यो गाली लपट्यो। पण आपा तो चुगल्या करा ना, जणो मारा बलड़ा फलका आता है, आपण महिमा करने में कई लागे भाई, मार तो बीननी इसी बीननी तो भगवान सगला के आओ, पण माय माय के देवण नहीं आवो, जो कितवा माय माय केवण ऊपर नहीं केवण महाराज। प्रेम से बोलो राम। अरे महाराज नरसिंह जी अगराली बड़ी लक्ष्मी स्वरूप, समय भी तने लागो धीरे धीरे, देखो अजीठानी ने जगी खोली ली है, नरसिंह जी गराली ने परेशान करने लगी, ओ काम कौन करियो, ओ काम कौन करियो, ओ कर दियो, ओ कौन करियो। तने एक दिन नरसिंह जी गराली आप नरसिंह जी ने कहे, बोले पति देव इतो बड़ो आपनो घर है, मारा शेठ जीरो इतो नाम है, मारा सोचरा जीरो है, घर में मानियो 24 घंटा कहीं सवे नहीं, आ बात छोकी कोने है, आपनो घर घरों लाजे पे आ तकलीफ होवे नहीं, लोग कहीं के देखो अन बीनणिया लड़े आपस में तो थे समझाओ कारण भाभी सा ने। नरसिंह जी के ठाकरी जलजली हवे कमरा का कट पता लगा है, भाई साहब इन कुंडर जो को मार, मैं तो देवर लागू, मैं तो नहीं, मैं भाई साहब ने जान समझाओ, जन जान से बने बंसी दर्जी ने कहे भाई साहब भाभी सान थोड़ा समझाओ, घर माने लड़ाई झगड़ो है, छोको कोने, आ बात बढ़िया कोने, आप समझाओ। चलो बंसी दर के भाई मारो तो कौन समझाए जे, नरसी एडो काम करो आपन तो अलग अलग वे जाओ। जना महाराज आज ए अलग अलग होने लगा, और अच्छो की बात बने जीते तक बाढ़ चटपट कीजिए चकरिया, आपस में बने ना रोजिना की राड़ आपस में अच्छी नहीं, रोजिनारी राड़ आपस में अच्छी नहीं, बने जीते तक बाढ़ चटपट कीजिए चकरिया, आपस में बने जीते बाढ़ कर ले उन्हें बींत निकाल लेने। तो महाराज दोनों अलग अलग होया, और जब अलग अलग होया यार बंटवारो करियो, तो संत महात्मा लिखे है कि 14-14 करोड़ रुपया आने बंटवारा में आया, 14 करोड़ बंसी दर रहे, 14 करोड़ नरसी रोकड़ा रुपया, सोना चांदी मेल माड़िया गेणा गांठा बे अलग, हाथी घोड़ा आनी दुकाना लाव लश्कर सब बंटवारो कर लियो महाराज। समय बीतने लागो, पिताश्री रो भी देहांत होयो, दादी सा भी गया, नरसिंह जी रे घर मान भगवान की कृपा हुई, एक बेटा रो जन्म होयो महाराज, और बेटा रो नाम सांवल, काई नाम सांवल नाम, जरी दिन नरसिंह जी नैनी भाई कहते मारो सांवल बीरो आए, मारो सांवल बीरो आए, मारो सांवल बीरो आए, सांवल बड़ो भाई। और महाराज 12 महीना 1.5 साल रे बाद में आने घर में एक बेटी रो जन्म होयो, और महाराज बेटी रो नाम तो आप सगला जानो हो, काई नाम है नानी भाई, नानी भाई नाम महाराज, बड़े लाड प्यार से आपरी बेटी हुई नहीं, नरसिंह जी बहुत राजी हुई, जितो सांवल जलमियो ना इतो खर्चो कौन करियो, जितो नानी पैदा हुआ जन खर्चो करियो, गए गरीबान दान करियो, गायों रो दान करियो है, गरीबान भोजन करवायो, खूब रुपया पैसा बांटिया महाराज, खूब खर्चो करियो, आज मारे घर में मारी लाडकड़ी मारी बेटी रो जन्म हुयो है। अरे भाई जिन घर में बेटी आवे नी वो घर तो महाराज साक्षात मानो लक्ष्मी रो ही दरबार बन जावे, आज बड़ा राजी हुआ नरसिंह जी। समय बीतने लागो, नरसिंह जी की कीर्ति बढ़ने लागी, ईरो कारण कई नरसिंह जी की कीर्ति क्यों बढ़ी, बंसीधर जी ने आज कोई कौन जाने, भी खाली नाम जाना कि नरसिंह जी रे भाई बंसीधर आ, लेकिन पहचान नरसिंह जी है, आज नरसिंह जी ने पूरा हिंदुस्तान जाने, ईरो कारण ओहो कि बंसीधर जी की गराली है ना,
आ महाराज आया ने ना तो कदी पानी पिलावती ना आयोडा ने कोई भोजन करावती। इरो काम तो लड़ी झगड़ो करने रो, लड़ी झगड़ो करने रो, लड़ी झगड़ो करने रो, लड़ी झगड़ो करने रो। और नरसी जी से की घर आली है, बा कोई रस्ते पे तो भी मिल जाता नहीं। अरे साहब आप कटे जाओ, दो मिनट बैठो, लो जल पान करो, भोजन करन जाओ, भगवान रो दियोड़ो घणो ही, आप भोजन करन जाओ। और महाराज घरे अतिथि आवे ना, बीरी आपा सेवा करा, बिन भोजन करावा, बिन पानी पावा नहीं, वो आपने आशीष देवे। आपने मारवाड़ में कहवे नहीं कि दे पांड्या आशीष, मैं कहीं दू मारी आत्मा देवे है, तो वो आशीष देन जावे कि भाई गणी फलो गणी फूलो। रुपया पैसा रो दान है नहीं, जकारो तो महत्व को नहीं, सब बड़ो दान है अन्न और जल रो। इन वाचे घरे कोई भी अतिथि आवे, बिन मान सम्मान बैठावनो, बिन भोजन करावनो, बिन पानी पिलावनो, रुपया पैसा देव तो नहीं देव तो बात थानी इंचा। अरे मैं तो को कोई फकीर आवे ने मांगने वालो पैसा नहीं देवना, रुपया रो तो वो जान कहटा कहीं करे, राम जाने वो जय सी आराम करे, जान आठ बजे पहली लाइन में लाग जावे, जान थोड़ी पड़े। अरे वो बा पैसा रो जय सी आराम कर, पछे घरे जान टावरा ने कूटे, बीरो पाप किने लागे आपने लागे महाराज, क्योंकि वो व्यवस्था आपा करी 30-40 रुपया री व्यवस्था आप करी, पाप तो आप नहीं लगा कि बेटा बरिया गलिया का आत्माओं का कौन मरियो जो कोई ने पैसा दिया, मारा बाप ने देना आर माने कुटे। इन वास्ते भोजन करवा दो, जल पिला दो, तब आत्मा सो आशीर्वाद मिले महाराज। तो नरसिंह जी जगी घराले है ना, आयोडा ने भोजन करवावे, आदर देवे, जन गांव में कीर्ति फैलने लगी। अरे नरसिंह जी तो जो नरसिंह जी है, बानी घराली तो घराली है भाई, सुबह सुबह नाम लेवे जड़ी है, वह तो कोई साक्षात देवी है। यूं करण धीरे धीरे मारो धर्म बढ़ने लागो, मानो पुण्य बढ़ने लागो और मानी कीर्ति बढ़ने लगी। कटी बहन बेटी रो कोई रो ब्याह होवे, नरसिंह जी जावे, नैनी ने साथ लेन जावे, छोटी सी नैनी आवरे श्रृंगार करान, बेटी ने हाथ लेन जावे, बट 1,000, 2,000, 5,000, 1,00,000 रुपया खर्च करन आवे, कन्यादान देन आवे। और महाराज कटी गौशाला रो कोई कार्यक्रम आवे, वटे भी 1,00,000 रुपया खर्च करे, कटी गरीब रे कोई काम पड़ जावे, नरसिंह जी पैसा खर्च करे। समय बीतने लागो, समय बीतने लागो महाराज, धीरे 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 नरसिंह जी नगर सेठ बन गया। गांव वाला लोग है नगर सेठ री उपाधि दी, बोले तो अपना नगर सेठ है नरसिंह जी है तो आनंद है रे, तो अपना नगर रा सेठ है, सबरी पालन करने वाला, सबरू पोषण करने वाला नरसिंह जी महाराज। मारा चारों ओर जे जे कार होने लागो है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। लेकिन महाराज केवे नहीं, कदी कदी घणो घणो आनंद होवे नहीं, घनी खुशी होवे नहीं, तो महाराज भी नजर लाग जाया करे। कदी कदी घनी खुशी होवे नहीं, भी कभी नजर लाग जाओ महाराज। प्रेम से बोलो राम। एक घटना घटी, कहीं घटना घटी, नरसिंह जी महाराज रो जो को बेटो है ना, वो महाराज कटी जंगल रे माने खेलने गयो, काफी बड़ो होयो 12-13 साल रो है, नानी भाई होएगी 8-9 साल री। ध्यान से सुनी जो महाराज कथा ने, प्रेम से बोलो राम। 12-13 साल रो नरसिंह जी रो बेटो सावल रथ लेन कटी घूमने गयो, घोड़ो लेन कटी सी अपने जंगल में घूमने गयो महाराज। और महाराज बट एक सांप खाएगो, और सांप खाने से नरसिंह जी 12-13-14 साल रा बेटा री मौत होगी महाराज। जवान बेटो घरे में नरसिंह जी रे चलो गयो, नरसिंह जी तो टूट गया। अरे समाचार होया तो महाराज पागल जेड़ा होगा, अरे विधाता ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से आज मेरे घर में ऐसी घटना घटी, हे प्रभु हे परमात्मा हे भगवान ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। नरसिंह जी बड़ा दुखी होया महाराज, गांव रा लोग समझने लगा नरसिंह जी ये संसार का व्यवहार है, आया सोही जावसी, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलिया न कोई बांध जंजीर। अरे महाराज जो आता है वो जाता है, ये समय है महाराज, इस समय में कब क्या घटना घट जाती है महाराज कोई पता नहीं चलता। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, ये 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सभी साथ में गाने का प्रयास करें महाराज। क्या लेके आया बंदा, हम सबके लिए है ये केवल नरसिंह जी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी, हम भी एक दिन इस संसार को छोड़ के जाएंगे महाराज, इसलिए गा लीजिए। जिनको ये पता है कि हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे वो गाएं, और जिनको ये पक्का पता है कि हम तो नहीं जाएंगे, जाने वाले कोई और है, तो आप नहीं गाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको पता है कि नहीं हमारे तो कंफर्म टिकट बनी हुई है, जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा नहीं महाराज, लेने के लिए आएंगे, जबरदस्ती लेकर जाएंगे वो। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सभी
गोरी का अरे वो कहां गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया। विचार करना इस बात का, किधर चले गए? हमारे साथ भी बैठे रहते थे, जिनसे हंसकर बोलता दिन में सो सो बार, बेंदर माटी मिलिया जरा गड़ा गड़े कुमार। अरे मना थारी निंद्रली ने निवार, वो तो जग झूठो रे संसार है। अरे वो कहां गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया। अरे जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। सामाने बोलनिया बंदा, सामाने बोलनिया बंदा, गया बे अकेला, गया बे अकेला, ये दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। वो छोड़ गए धनमाल माया को गिनी गिनाई ने, वो छोड़ गए धनमाल माया को गिनी गिनाई ने, गडकोटा की नीव छोड़ गा चिणी चिनाई ने, गडकोटा री नीव छोड़ गा चिणी चिनाई ने। रे चिनाई बंदा यही रे जाएगा अठेरे जावेगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। अरे नरसिंह जी आपका ही सोच करो हो, आया सोई जाव सी राजा रंग फकीर, कई सिंहासन चढ़ चलिया कई बांध जजीर महाराज, ये तो संसार है, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसको मृत्यु कहते हैं जिसको हम मौत कहते हैं, ये आना जाना, एक आया दो गए, दो आए चार गए, ये तो होता है महाराज, ये परिवर्तनशील है संसार, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये तो होता है। नरसिंह जी आप चिंता मत करो। नरसिंह जी रोवे, मार बेटो मार सवाल महाराज, नानी भाई 9 साल रही, पिताजी लिपट लिपट रो, पिताजी मारो भाई कटे गयो, मारो सावल बीरो कटे गयो, महाराज किन किन समझावे। नरसिंह जी घरवाली रोवे, मारो बेटो मारो बेटो, नरसिंह जी पागल जड़ा होगा, चारों ओर दुख सब आक्रांत होयोड़ा, दुखी होयोड़ा, सगल ने समझावे मारा, धीरे 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 आदमी दुख ने भूले। नरसिंह जी भी भूलने की कोशिश करी, 6 महीना होया, मानो बेटा ने थोड़ो भूली ज हो, जिते मारा नरसिंह जी घराली रो देहांत, घराली रो देहांत हो गयो। नरसिंह जी जो लक्ष्मी स्वरूपा बीनणी ही महाराज, वह भी भगवान ने धाम चली गई। अरे महाराज आज लक्ष्मी स्वरूपा नरसिंह जी घराली री जद मौत हुई, अरे महाराज अब तो नरसिंह जी टूट गया। अरे सांवरा, हे भगवान, हे ठाकुर, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगड़ा, ऐसा क्या पाप किया है कि मेरे को इतना दुख इतनी तकलीफ। और महाराज नानी भाई रोने लगी, पिताजी मारी माँ कटे, मारी माँ कटे, मारो भाई कटे, और एकदम अब 9 साल रही। नानी भाई ने कहीं समझावे, नरसिंह जी गले सो लगान बोले, बेटा थारा भाई भगवान कने गया और जट थारा भरोसा गया नहीं, वटी थारी माँ गई बेटा, पिताजी वापिस कद आवेला, बोले बेटा वट जाने रे बाद में कोई वापिस नहीं आया करे, पागल जेड़ा होएगा अब तो। नरसिंह जी बेटो याद आवे, कदी घराली याद आवे, कदी बेटो याद आवे, कदी घराली याद आवे, दुकान भी जावे, दुकान खोले जान बैठ जावे, बस रोव रोवे ही रोवे नरसिंह जी मरा, दूसरी कोई बात को नहीं, गांवरा लोग समझ गया सेठ जी पागल हो जाए है? हे भगवान, हे ठाकुर, हमें कहीं करा जना महाराज, 6 महीना 4 महीना होया जना सगला भाई बंद बेड़ा वेन आया नरसिंह जी का, दुखी देखे नरसिंह जी ने, जना आस पड़ोसी सोचो आप अन की समझावा, कहीं समझावा, बोले अन के मांगते दूजो ब्याह कर लो, दूसरी बींदनी आ जाए, घर ने भी संभाल ली, थोड़ा वंश भी आगे चाली,
नरसिंह जी ने समझावे, सेठा हिम्मत रखो, उनाला काम हो जाए करे, कोई राहत को नहीं है, भगवान के हाथ है, है? हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। कहा मुनि सुनो भरत भावी, ये छह चीजें विधि के हाथ, ये जो छह चीजें नहीं भगवान के हाथ है, ये परमात्मा का हाथ है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अपन कोई काम करा मेरे जस मिली कौन मिली रही, कोई गारंटी कौन, यस और ये भगवान के हाथ है। कोई धंधा करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। घाटो भी लग जाओ महाराज कभी कभी, कभी कभी नफो भी बह जाओ। तो नरसिंह जी आप एक काम करो। नरसिंह जी बोले भाई लोग बोलो, आप ही मारा तो मेरे बाप सब कुछ, आप हमारा भाई बंधु। बोलो बोले नरसिंह जी आप दूसरे ब्याह कर लो। अरे नरसिंह जी के नहीं, मैं ब्याह नहीं करूँ, नानी ने गले से लगे, मैं ब्याह नहीं करूँ, मैं ब्याह करूँ लाद, मारी बेटी रुकाई हुई वहां की दूसरी घर वाली आई, वहां मेरी बेटी थोड़ी लालन पालन करेला। सगला के नरसिंह जी सगली भाया एक जड़ी थोड़ी हो गए, है कोई बढ़िया कोई आ जाए तो घर ने संभाल ले, और नानी री तो आप कर ले महाराज, आप चिंता मत करो। घणो कियो महाराज, घणो समझाया जना नरसिंह जी, हाम भर ली जना ठिकानो करियो, और मारा दूसरो ब्याह होयो, और दूसरी बींदनी आई अब नरसिंह जी रे, आ बींदनी एडी आई एक जिठानी रही चार अंटा बारा कर देवे जेडी। अब जकी बींदनी आई आ जिठानी रही चार अंटा देवे जेडी, सुबह शाम ती 10 नंबर गली है पटजार नी लड़ चढ़ी रोटी गुन बाय 9-8 तो सल्टा देवे सुबह सुबह, ते 10 नंबर गली है वटे। हां महाराज बिल्कुल प्रेम से बोलो राम। अब तो नरसिंह जी घना दुखी होएगा, पहली तीत ही दुख होगी गया पर अब दुख श्याम रहा है सोलवा, और नरसिंह जी थंग बीनड़ी से मार टापुर ने कूट दियो, और नरसिंह जी थंग बीनड़ी घरे लकड़ी लेना आएगी महाराज, आज तो महाराज मार चोटी पकड़ ली, कोई कहीं कर दियो, कोई कहीं कर दियो। नरसिंह जी बैठा बैठा कहे भगवान ओ काम नहीं करते तो आ गिरत को नहीं होती। अब तो बाप घनी गराड़ी याद आवे घर मायने कोई छोको आदमी जावे, पछ माड़ो आदमी आवे ने छोको घणो याद आवे महाराज। अब घराली याद घनी याद आ रही मारी एडी लक्ष्मी स्वरूप आई जकी चली गई ना, ओ दुख ओ मारा दुख पन्न पड़ियो होगा। अब तो घना दुखी होएगा और भाई लोग ने मिठा पड़ गई, आप ओ काम छोको को नहीं करायो नरसिंह जी, ओ काम गलत होएगा। अब नरसिंह दुकान पर बैठा रहे मोला मोला, जन एक दिन एक भाई लोग समझदार आ, बहुत सत्संगी लोग, कोई गुरुमुखी लोग, देखे आप एक काम करा। बोले कहीं बोले नरसिंह जी ने कहो कि नरसिंह जी थे थान करे सत्संग करवा दो, है बोले थाने घरे ओ सत्संग रो आयोजन करवा लो। जन में 8-10 भाई लोग मिलन नरसिंह जी कने गया, जान नरसिंह जी के नरसिंह जी थाने एक 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 काम बोला मैं थाने नरसिंह जी के एक बोला है जो कहीं तू घर बैठो थे थाने घरे लोग नहीं बोला तू माम काम मार कौन बोलनो। बोले नहीं एडी बात कौन नरसिंह जी बोल तो बोले थाने दुख ज्यादा है। बोले दुख ज्यादा हो पर थे डबल कर दियो हमें कहीं काम बोलाओ। बोले नरसिंह जी थे ज्यादा दुखी हो इन वास्ते के वहां। बोले बोलो बोले थे थाने घरे सत्संग करवाओ रोजिना हरिनाम रो कीर्तन करवाओ रोजिना 1-2 घंटा सामरा थाने शांति मिली भगवान रे नाम में तब बैठो ने थाने बड़ी शांति मिली थे दुख भूल जाओ थे परमात्मा रा नाम रे मैंने एड़ा आनंदमय बन जाओ एड़ा विलीन हो जाओ कि ये सबला संसार दुख जगह याद ही कोनी आवे। और महाराज पक्की बात है आ पक्की बात है आप कोई भी सत्संग कथा में जान बैठा ना संसार दुख भूल जाओ महाराज। मैं तो अठा तक कह करूं कई कई आदमी आवे जका ने घरे नींद को नहीं आवे ना बे अठा जावन एक दिन शांति मिले थोड़ी दार ने ये जरा खावने चालू कर देवे घरे नींद को नहीं आवे घरे तो डॉक्टर की गोलियां ले ले महाराज दिखावे तो नींद को नहीं आवे लेकिन कथा रे मान अड़ी शांति मिले एडो आनंद आवे। हे महाराज आऊं ती नींद आऊं ना लाग जे अरे के बया तो मारे नहीं नींद लेवन वास्ते की भाई लो कथम नींद लेवनी आवे। हालांकि आपने 18 री बात कोनी दीप कॉलोनी री बात कोनी आ 18 तो भाईन 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 सब कथम नहीं आया मैं तो बात करूं पाकिस्तान साइड रे हां बन जैसलमेर का नाम लेवा बटिन कदी जाऊं पड़े अरे मैं तो लाइव टेलीकास्ट कोई होने लियो तो। हे महाराज माने प्रेम से बोलो राधे राधे। आ बात को दूजा देश री हमने हिंदुस्तान रे नहीं है अठारी बाया बाया तो भाई सुबह सुबह नाम लब जड़ी है पर कई कई होवे जकी कथा में आई ना सगलो पहली तो कूलर कटे लागियोड़ो है। हाँ ठीक है पछ कूलर देखे हम पछ कई थंबो कटे थंबा कन आर बेट भाई लोग तो नींद लेवे नहीं जन ठा पड़ जावे जरा खाऊं था पर हमारी बाया तो शटर नीचे खांस ले मारा 4-3 घंटा कत चले नहीं जितने भाई जी तो एकदम समाधि में लाई गड़े जरा जय बोला आरती रे टाइम है हर के भाई जी भाई की के दो कथा तो घनी सुनी पर ईशो आनंद तो कटे ही को नहीं आयो आवे कोनी क्यों कुंदर पानी में भरियो है
ठंड ठंडी हवा आई, एड़ो आनंद तो भाई अठी आयो है, घनी जोर की कथा पाची। माता जी कई कथा सुनी? ये तो तुम्हारे नी मैंने याद कौन रहे, बाकी कथा तो भाई घनी घनी ताजी सुनाई। पर महाराज नींद कथा रमन नी लेवनी चीज है ना, कई की बहन नींद आवे पर निवेदन नहीं लेवनो। एक भाई साहब जगह आ पर कथा रमन सटर नीचे खेन तन जेरा लेवनी चालू कर दियो। जरा मैं पूछ मैं कि कहीं माता जी थन नींद आवे? माता जी नहीं महाराज मन तो नींद करनी आवे। मैं कि जरा खाओ नहीं? बोले नहीं, ओ थन प्रणाम करो। ओ तो थन पर माता जी अपन एडो प्रणाम नहीं करनो। प्रेम से बोलो राम, जोर से बोलो राम। धन्यवाद। तो महाराज कथा रमाने एकदम आदमी ने आनंद मिल जावे। और मैं तो क्या करूं, जको आदमी है कह नहीं सा मन तो नींद आवे, मैं तो आन बैठो तो मन तो नींद आवे, तो भले ही आप अटान सोवो तो अटान सोवो, घरे सुता रहोला नहीं तो एक दो मत गुजलो ना केला घराला के सुते रहन दो, लेकिन अटे आवला तो जरूर कोई भक्तारे एक शब्द लागेला, जरूर कोई संतारो कोई शब्द लागेला, जिनसो जन्म जन्म रापा सोयोड़ा हार उन शब्द सो अपन जाग जावला, फिर कभी सोवाला नहीं, क्योंकि मोहनिहारा दे कही सब ने एक प्रकारा। मोहनिसा सब सोहनिहारा, मोहनिसा सब सोहनिहारा दे कही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहनिसा सब सोहनिहारा, मोहनिसा सब मोहनिसा सब सोहनिहारा दे कही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहनिसा सब सोहनिहारा दे कही स्वप्न अनेक प्रकारा। जय हो। हम मोह की नींद में सोए हुए सभी, लेकिन किसी संत किसी भक्त का किसी वाणी का कोई शब्द लग जाएगा महाराज यहाँ आकर के बैठोगे तो घरे सुता रहे वहां तो कूलर थोड़ा हम हो करी हाँ सुता रहे दो, सुता रहे बारी सुता है, लेकिन महाराज सत्संग में आज सोला तो जरूर भगवान का कोई शब्द अपन जगावेला। इन वास्ते नरसिंह जी ने के नरसिंह जी सत्संग रो आयोजन रखाओ, जद महाराज नरसिंह जी कोई साधु संता ने निमंत्रण दियो और महाराज आपने घरे सत्संग रो आयोजन रखियो शांति मिलने रहे वास्ते। रोज दो घंटा हरि कीर्तन होवे, नरसिंह जी लार बैठ जाओ, गांव वाला लोग भी आन बैठ जाओ, आप जी बिराज जोड़ा जो गांव वाला लोग आ जाओ, रोज हरि कीर्तन होवे, सगला नाचे आनंद लेवे भगवान का नाम रो। नरसिंह जी भी लार बैठे बैठा सत्संग सुना रोवे, मारी घर वाली होती तो भाई सुनती आज मार बैठो तो भाई सुनतो, सगला कह रहे रोवो कहीं, बोले मारी घर वाली, बोले घर वाली ने भूलन वास्ते तो सत्संग रखिया, सत्संग तो घर वाली याद आएगी, बोले आज होती तो भाई सुन लेती, मतलब होती तो सुनती भाई को नहीं, अरे बा होती तो सत्संग के माच रखता, बा नहीं है वो दुख आयो जदी तो सुख मिलियो महाराज। दुख आता है सुख देने को, शब्द पर ध्यान देना, दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है, जब जोर की गर्मी पड़ती है तब बादल जल बरसाता है। आपके पास सुख है वहां सुख पर शिला पड़ो, सुख माते तो शिला पड़ो है, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम जपा, सुख माते तो पाठो पढ़ो, क्योंकि सुख है आपके पास, आपके पास सुख है, और ये जाएगा तो आपको क्या देखे जाएगा, दुख देखे जाएगा, सुख जब जाएगा तो दुख आएगा है, ये गिफ्ट है इसकी तरफ से, ले मैं जा रहा हूं तुझे दुख देके जा रहा हूं, और महाराज जिस दिन दुख आया है दुख वापिस आएगा तो गारंटी वो आपको सुख देके जाएगा है। तभी तो कहा है ना कि सुख पर तो शिला पड़ो,
नाम हृदय से जा यार, आदमी सुखी बने राम राम याद को नहीं करे मारा तवड़ क्यों कटो तपन राम मारी कहीं अब हे भगवान हमें मारी कहते राम जी याद आवे ऐसी लागी उड़ी वे एयर कंडीशन बढ़िया ठंड टी पड़ रही मारा धन राम जी याद आवे उस सुख में भगवान याद नहीं आया करे दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना को जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो इसलिए प्रेम से बोलो राम एक बार जोर से बोलो राम इतना जोर मत बोलो थानो गलो बैठ जावेला हाँ इतना जोर भी मत बोलो कि काल ना गलो बैठ जावेला हमारा आम धीरे धीरे बोलो राम अरे अरे गलो गलो बैठ जावेला ज्यादा आवाज नहीं निकालनी अपने को हाँ भाई आवाज बैठ जाओ पच्चे तो महाराज नरसिंह जी तो दुखी होएगा जन समझाया साधु संत प्रवचन करे अब धीरे 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 रोज सत्संग होवे रोज दो घंटा डेली महीना दो महीना बीतिया अब नरसिंह जी धीरे धीरे घर वाले बेटा ने बोलना चालू होया अब नरसिंह जी नाचने लग गया नाचना सीख गया नरसिंह जी हाथ में करताल लेवे यार बढ़िया भजन आवे जना ठुमका लगावे नरसिंह जी लारली बातें पल्ले पड़े कि नहीं पड़े बा ठाकुर ने पण कीर्तन आवे फट नरसिंह जी दावरा ले करताल उठ जावे ना आपण नाचने लग जावे नरसिंह जी तो बढ़िया नाचन वाला बन गया आस पड़ोस में ठापड़ गई सेठ जी नाचे जना ए जीव सोरे करे महाराज समय बीतने लागो महाराज समय बीतने लागो अरे महाराज एक दिन री घटना एक कोई संत बिना बुलाया आया अब जान लगा रोने दो और ए संत कौन आया ए पिंपू जी महाराज आया गागरोन गडको धनीर खींची पिंपा नाम है हाँ बिल्कुल बाद में प्रेम से बोलो राम गागरोन गडको धनी गडका धनी हा लेकिन बे राम जी रा नाम जपन वास्ते गड बार सब छोड़ दिया महाराज भगवान रा भगत बन गया है? पिछले जन्म रामायण क्योंकि अपन कने थोड़ा वक्त कम है ना चार दिन की बात है नरसिंह जी महाराज रे तीन जन्म की कथा आया करे पिछला जन्म रामायण नरसिंह जी एक राजा होया करे और आनी एक रानी होवे और महाराज ये कोई पाप करने से फिर ये सिंह बने और सिंह जिन टाइम उन टाइम में पिंपू जी महाराज जाना आशीर्वाद दियो नरसिंह जी ने और आशीर्वाद दियो जो नरसिंह जी सिंह बनियोड़ा 52 दिन तक भूखा रिया कितना दिन तक सब मांस मिट्टी खाने बंद कर दी सिंह है शेर है फिर भी खाना पीना छोड़ दियो गुरु जी कहो पिंपू जी महाराज कहो सब कुछ छोड़ दियो तो महाराज अगला जन्म नरसिंह जी महाराज बने पहले तो नरसिंह सिंह है अब नरसिंह बने महाराज है जब 52 दिन तक भूखा रिया जन आन वास्ते भगवान की धरती मत 52 वार आया एक बार नहीं 52 वार आया कभी किसनो खाती बनना आया है अरे गणी दूर से दौड़ रहे थारी गाडूली रे लार कभी सावल सेठ बनना आया कदी महाराज की बनना है अलग अलग रूप रेमान 52 वार भगवान आनंदर से जीरे वास्ते रसोईया रूप धारण करना आया सेन जी बनना है तरह तरह रूप बनिया बनाया अपन परमात्मा तो आज ये पिंपू जी महाराज पिछला जन्म रेमान आशीर्वाद दियो लेकिन वापिस ध्यान करियो अरे मारो नरसिंह तो हाल माया में लागियो रे जन वापिस मरता मरता पिंपा जी महाराज लगभग 100 वर्ष री आयु होगी एकदम वर्ध शरीर है बिना बुलायो आज नरसिंह मत कृपा करने वास्ते आया गाँव में पतो चलो रे एक संत आया बूढ़ा वृद्ध है आज बाणी बाणी सुना और पिंपू जी महाराज आन बैठ गया।